हेलो दोस्तों, इस पत्थर के बारे में आपसे थोड़ा सा देख लीजिए। मैं अभी सामने आके वीडियो को खींच लूँगा। मैं दूर में कराता हूँ, इसी कारण इसका सिद्ध कब्रा को सही तरह से नहीं देख पाएगा। इसका नाम है तागोलिन। तो तागोलिन क्यों कहता है, अभी सामने से देख लीजिए। मैं वीडियो करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए पत्थर कैसे लगता है। सौ सौ पत्थर ने मिलके एक बड़ा सा पत्थर बना है, वो भी एक ताकतवर पत्थर। ऐसे एक साधारण पत्थर नहीं है, इसे हथौड़ा भी नहीं मार सकता है। ऐसे पत्थर है, अलग अलग पत्थर ने मिलके बैठा हुआ है। इसे कहता है तागोलिन। मैं आप सबको ऊपर में भी जाके दिखाऊंगा अभी, लेकिन पत्थर बहुत बड़ा होने के कारण से ऊपर नीचे जाना बहुत कठिन है। ऊपर में उठने के लिए भी इतना दरपना लगता है। अगर थोड़ा सा फिसल गया तो मौत के कुआं में जाएगा, गुजर जाएगा। तो देखिए पत्थर ऐसे सिकबरा होता है। देखिए अलग अलग पत्थर है, अलग अलग पत्थर ने मिलके एक बड़ा सा पत्थर बना है। एक साधारण पत्थर नहीं है, इसका नाम होता है तागोलिन। और इसको मैं अभी थोड़ा सा ऊपर में उठ के बता दूंगा, लेकिन उठने के लिए बहुत कठिन है। फिसल गया तो उपाय नहीं है, बहुत डरावना लगता है। आप सबको दिखाने के लिए तो मैं ऊपर उतना तो पड़ेगा। देखिए मैं उठ गया तो और भी उतना पड़ेगा, बहुत कठिन है। ये पत्थर ऐसे पत्थर है, बहुत बड़ा सा पत्थर है। तो देखिए मैं पत्थर के ऊपर में चल रहा हूँ। मैं ऊपर काफ़ी ऊपर में आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भी सिद्धकबरा है, पूरा सिद्धकबरा है। देखिए ऐसा सिद्ध कब्रा है। इसे दरबना लगता है ऊपर में। अच्छा दोस्तों, अब इस पत्थर के बारे में जान लीजिए। ये सिवनसिरी में वहाँ कमला नदी नाम का एक नदी ज्वाइनिंग है। सिवनसिरी और कमला नदी का बीचों बीच में ये पत्थर ने वहाँ पर बैठा था। ये जमाना का कहानी है। तो एक साधारण इंसान नहीं है, ऐसे एक इतिहास का सबसे बड़ा इंसान ने वहाँ से इंडिया ओशन से आपका आते आते हमारे इंडिया के सी में पहुँच गया। उसका बाद इंडिया के सी में से फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी में आ पहुँचा। ब्रह्मपुत्र नदी से सिवनसिरी होके आया। सिवनसिरी से वहाँ कमला नदी और सिवनसिरी के बीचों बीच में ये पत्थर ने बैठा था। तो लोगों यहाँ में जीने वाला लोगों ने इतना रो रो के उसे बताया, मैं कैसे जीऊँ। वहाँ से हवा बहते आया, बह के हमारे घर पूरा उखाड़ के ले गया। और मैंने ज़िंदगी जीने के लिए इतना कठिन लगता है, ऐसा वो निरम कमदम को ऐसा सुनाया। तो लोगों का, सब लोगों का कहानी को सुन के जो दुख लग के निरम कमदम ने सिवनसिरी और कमला नदी का बीचों बीच का पत्थर को, ये पत्थर को उठा के यहाँ लाया। वहाँ एक नगर के को नाम का एक बेली में ऐसे हवा का रास्ता था, उसी रास्ते को बंद करने के लिए, ढकने के लिए इसी पत्थर को ले जा रहा था। तो हमारे अरुणाचल के एक मना हुआ हॉर्नबिल, यानी कि हम लोग, मेरा लोकल में पगा कहता है, उसी पगा ने, हॉर्नबिल ने उड़ के सदन उसका नाक में घुस गया। नाक में घुसने के कारण निरम कमदम को हिचकी आने लगा। हिचकी आने के कारण से उसका हाथों से इसी पत्थर ने फिसल गया।
तो फिसलने के कारण से यहीं पर ये तागोल ने बैठ गया। तो जमाना का एक कहानी है। तो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री सामने होने से इधर फिल्म भी शूटिंग करना था होगा, एक्टर और एक्ट्रेस लोग आके, और इस पत्थर को भी देखना था होगा, मीडिया लोग भी आके देखना था होगा। पत्थर सौ सौ पत्थर ने एक ही पत्थर बन के बैठा हुआ है, वो भी इसको तोड़ने कोई हथौड़ा हमारे से कभी इसको तोड़ने नहीं सकेगा। ऐसे एक पत्थर है, ये साधारण पत्थर नहीं है। और जिस इंसान ने बुका है वो इंसान भी साधारण इंसान नहीं है। इतिहास का सबसे बड़ा इंसान था। हमसे कंपेयर करें तो 20-30 हज़ार से भी बड़ा इंसान था। तो ये लोकेशन है कंट्री इंडिया स्थित अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अपार सुबनसिरी सर्कुल बारी रिजो ब्लेज रूमते के लोकेशन में पड़ा हुआ है। और मैंने वीडियो बनाने वाला, मेरा नाम है कारगा रिगू रोरी। मैं काफ़ी यूट्यूब में भी वीडियो भेजा हूँ आप सबके लिए। मैं जीवन दान देने के लिए कुछ आयुर्वेद के बारे में भी मेडिसिन कुछ भेजा है, और कुछ कुछ पत्थर के बारे में, क्या क्या कुछ कुछ अजीब से अजीब चीज़ों को मैं ऐसे चीज़ों को मैं वीडियो बना कर मैं बहुत भेजा है यूट्यूब में। तो आप सब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो आप सबको मेरे ओर से कोटे कोटे प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच।